बेटी की शादी का दिन था। विदाई के पहले माँ बेटी के पास गई और उसके हाथ में एक बैंक की पासबुक रख दी और चौंक कर बेटी ने पूछा, माँ ये क्या है? माँ बोली, बेटी इसे मेरी तरफ से अपने लिए एक वेडिंग गिफ्ट समझो। ये एक बैंक की पासबुक है, जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को संजो कर रखने का पासबुक। आज तुम्हारी शादी है, आज मैंने बैंक में 1,000 रुपए जमा कराए हैं और इस पासबुक में इसकी एंट्री भी कर दी है, जिसमें लिखा है इन शब्दों के साथ साथ, आज बेहद खुशी का दिन है, आज मेरी बेटी की शादी है। फिर माँ ने कहा, और कतार में लग गई। कतार में खड़े खड़े उसने यूं ही उस पासबुक का एक पन्ना पलट दिया, एक से दूसरा फिर तीसरा पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर गई। वे सारे खुशी के लम्हे उसकी आंखों के सामने तैरने लगे जो उसने अपने पति के साथ गुजारे थे। वो कतार छोड़कर वापस घर चली गई। घर आकर उसने अपने पति से कहा, तलाक लेने से पहले इस बैंक अकाउंट को बंद कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कर पाई, कल तुम बैंक जाकर अकाउंट बंद करा देना और सारे पैसे खर्च कर देना। अगले दिन पति भी बैंक गया। कतार में खड़े खड़े उसने भी पासबुक के पन्ने पलट लिए। सारे लम्हों को याद कर उसकी आंखें भी भर आई। वो भी कतार से निकलकर घर आ गया। घर आकर पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। पत्नी ने देखा कि आज की तारीख में बैंक में 10,000 रुपए जमा हुए थे और पासबुक में लिखा था कि मुझे आज ये एहसास हुआ है कि जिसे मैं छोड़ने जा रहा था उसे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और अपनी बाकी की जिंदगी भी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। दोनों की आंखें भर आई। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। दोनों ने तय किया कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर कभी नहीं लड़ेंगे। प्रिय दोस्तों, शादी का रिश्ता जितना खूबसूरत होता है उतना ही जटिल भी। इसे निभाना कतई आसान नहीं होता। इस रिश्ते में अलगाव होना स्वाभाविक है क्योंकि इसमें जुड़े लोग भिन्न परिवेश से आकर जुड़ते हैं।
उनकी परवरिश भिन्न वातावरण में हुई होती है, उनका जीवन मूल्य भिन्न होता है, ऐसे में सामंजस्य बिठा पाना आसान नहीं होता। लेकिन एक दूसरे की इस भिन्नता को समझकर परिवार बसाना ही तो शादी है। यदि रिश्तों में कुछ दरारें आए भी तो उन्हें भूलकर उन लम्हों को याद करें, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से और खुशी से जिएं। वो लम्हे आपके अंदर छुपी हुई भावनाओं को फिर से जिंदा कर देंगे। किसी भी रिश्ते को अच्छे लम्हों के साथ याद करिए, बुरे लम्हों के साथ नहीं। ये रिश्तों को मधुर बना देता है और यही रिश्ते एक संपूर्ण परिवार का निर्माण करते हैं, जो सुखद होता है, जिसमें आनंद होता है, जिसमें शांति होती है, जिसमें सफलताएं होती हैं।